आज हम लोग हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा में। आज यहाँ पर इंटरनेशनल सुजाक एसोसिएशन के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए पेनलेस एंड मेडिसिन लेस इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी कौन सी विधियाँ हैं और ये कब से हमारी पद्धतियों में आई हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी, बड़ौदा गुजरात से आई हूँ इस कैंप में सेवा देने के लिए। अच्छा, क्या ये जो थेरेपी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? ये सुजोक थेरेपी है। सुजोक थेरेपी एक कोरियन वर्ड है जिसमें सु का मतलब हाथ और जोक का मतलब पैर होता है। तो हाथ और पैर के तलवों में जो बिंदु आए हुए हैं, मर बिंदु, इनको या तो दबाव दे के या उसमें कुछ कलर लगा के या मैग्नेट लगा के या जो हमारे किचन में बीज इजीली अवेलेबल होते हैं, जो सीड, जैसे मूंग दाना हुआ, मटर हुआ, राजमा हुआ, इस तरह के दानों को लगा के जो ट्रीटमेंट की पद्धति है, इसको सुजोक थेरेपी कहा जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा, आप सिर्फ कोई सीड लगा के पूरा बॉडी ठीक कर सकते हैं, या सिर्फ जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत एज वाले हैं तो उनको सिर्फ कलर लगा के ही हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिर्फ बिंदुओं पे कलर लगाने से भी पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इस थेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, ओरली कुछ भी पेशेंट को खाना नहीं है, जो भी है वो आउटर सिर्फ हाथ और पैर के तलवों पे ही लगाया जाता है। आप कब से इस थेरेपी से जुड़ी हुई है? गत 15 वर्षों से भी ज्यादा हो गया मैं इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ। और ये प्रश्न जो आपका है ये बिल्कुल मेरे मन को वो झंझोड़ने वाला क्वेश्चन पूछा कि कब से और क्यों। तो मेरे हस्बैंड हैं, उनको जो L4-L5 जो कमर में मनका होता है उसमें उनको जो है वो पैरालिसिस जैसा उनको हो गया था, नस उनकी दब गई थी। और हमने बहुत सारा एलोपैथी ट्रीटमेंट और मतलब अगर जब तकलीफ होती वो बेडरिडन हो गए थे 9 मंथ्स के लिए, तो हमने सब थेरेपी उनको करवाई थी। मैं 98 की बात कर रही हूँ जब उनको ये प्रॉब्लम हुआ था, और किसी भी थेरेपी से उनको कोई भी रिलीफ नहीं हुआ था। हमने होम्योपैथी बोला, और जब आदमी बीमार होता है तो सब कुछ करता है, हमने मंत्र करवाए, पूजा करवाई, लेकिन किसी चीज़ से ठीक नहीं हुआ। और एक सुजोक थेरेपिस्ट अहमदाबाद में उस टाइम पे थे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया और जो कोई डॉक्टर 9 महीने में नहीं कर सका था वो 15 दिन में बेड में से खड़े हो गए। तो यही एक फैक्टर था जिसने मोटिवेट किया हमको कि वैसे भी मैं MD नेचुरोपैथ हूँ, तो फिर मेरे को ये मोटिवेट किया कि ये थेरेपी रियल में इसमें कुछ दम है, जो 9 महीने से कोई नहीं कर पाया ये 15 दिन में बेड में से खड़ा कर दिया, तो ज़रूर इसको सीखना चाहिए। और इसी की वजह से मैंने ये सीखा और अभी हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही इसका ट्रीटमेंट देते हैं गुजरात बड़ौदा में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।